हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डेली प्रैक्टिस जो हम करते हैं एमसीक्यू, उसी का पार्ट 6 है। और आज ये स्पेशली है यूनिट 2 पे बेस्ड। यूनिट 2 के जो क्वेश्चन जो आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं, तो मैंने उनको इसमें कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और कुछ डेफिनेशन वगैरह इसमें डाल सकूँ, ताकि आपको ये यूनिट में काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो उनको हेल्प हो सके। तो अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय अनुसंधान के अंतर्गत मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है, ये किसने कहा है? एक कोटेशन है कि अंडर सोशियोलॉजिकल रिसर्च द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन ग्रुप्स इज स्टडाइड। किसने बोला ये चीज? ऑप्शन है रेडमैन एंड मोरी, बोगार्ड्स, यंग, हिटने। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिटने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पद्धति में धर्म, दर्शन या परिकल्पना का कोई स्थान नहीं होता है और वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग एवं वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली से है, ऐसा किसने बोला है? ये कोटेशन किसने दी है साइंटिफिक मेथड की, कि जो साइंटिफिक मेथड है उसमें फिलॉसफी और हाइपोथेसिस को कोई स्थान नहीं दिया जाता है और इसमें एक सिस्टमैटिक मेथड के थ्रू इंस्पेक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन किया जाता है। आपके ऑप्शन है चर्चमैन एंड एकॉफ, ऑगस्ट कॉम्प्ट, कार्ल पियर्सन, गुड एंड हॉट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अगस्त कॉम्प्ट। कॉम्प्ट ने ये डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के मार्ग से गुजरने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है, तो ये किसने कहा कि देयर इज अ नो अदर वे टू गेट द नॉलेज ऑफ साइंस अदर देन गोइंग थ्रू द पाथ ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो ये चीज किसने बोली थी? आपके ऑप्शन है कार्ल पियर्सन, गुड एंड हॉट, लुनबर्ग, स्टुअर्ट चेस। तो ये चीज बोली थी कार्ल पियर्सन ने। कार्ल पियर्सन का मानना था कि अगर हमें वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पद्धति में 6 प्रक्रियाएं आती हैं जिसमें कि परीक्षण, सत्यापन, परिभाषा, वर्गीकरण, संगठन तथा दृष्टिकोण या फिर निष्कर्ष आते हैं। तो ये किसने बोला, वैज्ञानिक पद्धति में ये 6 प्रक्रियाओं को किसने सम्मिलित किया है? आपके ऑप्शन है जेसी बर्नार्ड, मॉर्स, कॉम्प्ट और लुनबर्ग। एंड इसका राइट आंसर है जेसी बर्नार्ड। जेसी बर्नार्ड ने साइंटिफिक मेथड में 6 प्रक्रियाओं को शामिल किया था, जिसमें कि टेस्ट, वैलिडेशन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड अप्रोच या कंक्लूजन को इन्होंने इसमें शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि विषयक जगत की किसी व्यक्ति के प्रयासों, आशाओं, भय से स्वतंत्र वास्तविकता का ज्ञान जिसे वास्तविक अवलोकन द्वारा प्राप्त किया जाता है वस्तुनिष्ठता है। तो ये वस्तुनिष्ठता की डेफिनेशन ये किसने दी है कि एक पर्सन के एफर्ट से हट करके एक ऐसा ज्ञान जिसमें कि एक रियलिटी होती है उसके व्यक्ति के प्रयासों और उसकी आशाओं और उसके भय से स्वतंत्र, एक तरीके का स्वतंत्र ऑब्जर्वेशन होता है, एक रियल ऑब्जर्वेशन होता है। आपके ऑप्शन है फेयरचाइल्ड, कार, ग्रीन एंड वेबर। एंड ये डेफिनेशन दी थी कार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथ्य केवल मूर्त चीजों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें अमूर्त चीजें जैसे कि विचार, अनुभव एवं भावनाएं भी आती हैं, ये किसने कहा है? द फैक्ट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू मटेरियल थिंग्स बट ऑल्सो कंसिस्ट इन मटेरियल थिंग्स। ये चीज किसने बोली कि इसमें अमूर्त चीजें भी आती हैं? ऑप्शन है पी वी यंग, गोल्डनर, गुडी एंड हॉट, दुर्खिम। तो वैसे तो दुर्खिम ने भी माना है कि वो सारी चीजें तथ्य हैं जिनका कि अवलोकन किया जा सकता है, बट ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है ये है पी वी यंग की। पी वी यंग ने माना था कि तथ्य में केवल मूर्त चीजें ही नहीं आती हैं बल्कि अमूर्त चीजें जैसे कि विचार, अनुभव और भावनाएं भी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस एंड जेनानिकी के अकॉर्डिंग तथ्य क्या है? तो आपके ऑप्शन है कि जो फैक्ट है, फैक्ट इटसेल्फ इज इमटेरियल, तथ्य स्वयं में अमूर्तीकरण है, ये हमारे ज्ञान में विस्तार एंड एक्सपेंडिंग इन अवर नॉलेज, अनुभव सिद्ध सत्यापन हेतु अवलोकन होते हैं ये,
इम्पेरिकल वेरिफिकेशन ओवरव्यू, या फिर फैक्ट एक ऐसी घटना है जिसके बारे में सभी का मत समान हो, मीन्स कि एक ऐसा इवेंट विच एवरी वन हैज द सेम ओपिनियन. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन. थॉमसन एंड जेनेनकी के अकॉर्डिंग, थॉमसन जेनेनकी ने कहा था कि फैक्ट स्वयं में अमूर्तीकरण है, फैक्ट इटसेल्फ इज इमटेरियल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामग्री का स्रोत नहीं है? जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं रिसर्च के, उनमें से इसका रिसोर्स कौन सा नहीं है, सेकेंडरी रिसोर्सेज का? ऑप्शन है जीवन इतिहास, संस्मरण, पत्र या फिर साक्षात्कार. तो देखिए, जीवन इतिहास, संस्मरण, पत्र या फिर अभिलेख, इन सभी का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये सेकेंडरी रिसोर्सेज आते हैं. लेकिन जब हम साक्षात्कार करते हैं किसी का, हम इंटरव्यू करते हैं किसी पर्सन का, तो वहां पे हम फेस टू फेस उसके इंफॉर्मेशन उससे लेते हैं, तो वो हो जाती है प्राइमरी इंफॉर्मेशन, तो ये प्राथमिक आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सामग्री का स्रोत नहीं है, मीन्स कि इसमें से कौन सा है जो प्राथमिक सामग्री का स्रोत नहीं है बल्कि द्वितीयक सामग्री का स्रोत है? तो अवलोकन, अनुसूची, प्रश्नावली, ये तीनों के तीनों प्राइमरी रिसोर्सेज होते हैं इंफॉर्मेशन के. लेकिन जो अभिलेख है, यानी कि पहले से कोई चीज लिखी हुई, प्रकाशित अभिलेख है या कुछ भी है, तो वो सेकेंडरी रिसोर्सेज में आ जाएगा, डेटा के सेकेंडरी रिसोर्सेज में, तो ये नहीं है प्राइमरी रिसोर्सेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी बुक किसकी है? द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी बुक के राइटर कौन है? ऑप्शन है बेकन, पार्पर, डेकार्ट एंड कोहेन. एंड ये बुक है कार्ल पार्पर की, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी. तो ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे यूनिट टू से. अभी और भी क्वेश्चंस हैं यूनिट टू के, तो कंटिन्यू देखते रहिए. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच.